नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे शो बी एंटिक फिट पर। हर बार की तरह इस बार फिर से आपसे मिलने के लिए लेकर आए हैं एक एंटिक गेस्ट। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो। नमस्कार, मैं सुनील बोरवणकर। मैं कुछ कबाड़ से जुगाड़ वाले आइटम बनाता रहता हूँ। शौक बहुत बचपन से था, लेकिन नौकरियों के चक्कर में, इधर से उधर तबादलों के चक्कर में कुछ हो नहीं पाता था। लेकिन फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई थी कि ये बनाना है। उसमें से सबसे पहला आइटम मेरा था कि एक फाउंटेन बनाना है जो बड़े बड़े बंगलों के बाहर हुआ करता है, वो मेरे घर के सामने भी होना चाहिए। तो फिर मैंने एक सबसे पहले फाउंटेन बनाया। फिर धीरे धीरे मैंने कहा अपने मॉडल्स बनाने की भी रुचि को आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मैंने अपने ही घर का मॉडल बनाया, जिस घर में अभी हम रह रहे हैं उसका मॉडल बनाया। फिर इस तरह से करते 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 मैंने जितने भी पुराने अपने घर थे, जो जिनमें हम रह चुके थे, रेलवे कॉलोनीज थे और अपने मकान जो इलाहाबाद में था, इन सब में इनके सबके मॉडल्स मैंने बनाने की कोशिश की। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो 100% सही बने हैं। जो लोगों ने भी देखा है वो कहते हैं कि बिल्कुल हूबहू वैसा ही बना दिया तुमने। तो ये तो हो गई हमारी चर्चा सर से, अब हम चलकर देखते हैं सर का मिनिएचर, सर की आर्ट, सर ने क्या क्या बनाया है और आपको दिखाते हैं सर की बेहतरीन आर्ट। ये मैंने एक वॉरशिप बनाया है जो अग्निवीर के भर्तियों के टाइम में पेपर में बहुत ज़्यादा शो होता था। तो मेरी इच्छा हुई कि इसको मैं बनाऊं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्वेचर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बनाना बहुत डिफिकल्ट था। एक्चुअली इसका बहुत ज़्यादा साफ फोटो भी नहीं कहीं दिखाई दे रहा था। फिर मैंने कुछ इंटरनेट से देखा और इस तरह से एनलार्ज कर करके उसको बनाने की कोशिश की और अल्टीमेटली इतना बनाया। कुछ उसमें मॉडिफिकेशन भी किए मैंने, जैसे इसमें फाइटर प्लेन्स वगैरह खड़े नहीं किए गए थे, वो मैंने फाइटर प्लेन्स खड़े किए और वो भी प्लेन भी मैंने ही बनाए कागज़ से, और वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं इसमें। हवाई जहाज़ भी इसके ऊपर चल सकते हैं, उनको रखने की जगह भी होती है उसमें, और यहीं से वो फ्लाइट ले सकते हैं और लड़ाई करके फिर वापस इसी के ऊपर आ भी जाते हैं। तो ये इस टाइप का होता है। इसमें पूरे कंट्रोल रूम वगैरह सब बना होता है इसके ऊपर। रडार है सबसे ऊपर, एंटीना लगा हुआ है जो कि कम्युनिकेशन करता है ज़मीन पर बने हुए बैठे हुए ऑफिस से और वहाँ के ऑफिसर्स से। पानी की लहरें दिखाने के लिए मैंने इसमें एक ट्रे का इस्तेमाल किया है, ये ऐसा लगे कि वो समुद्र के बीच में खड़ा हुआ है। ये नोएडा ट्विन टावर्स हैं जो कि अपन पिछले साल बहुत लाइमलाइट में थे। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या किया था, यहाँ के बिल्डर्स ने, कि कॉलोनी के बीच में दो बड़े टावर खड़े कर दिए थे, जिसको यहाँ साइड में रहने वाले लोगों ने अपोज किया और कोर्ट में केस जीता। बाद में ये टावर गिराने पड़े थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे, इसलिए क्रेन का भी इस्तेमाल किया गया है इसमें। अभी भी ये बन ही रहा था और उसने क्या किया, बीच में जो गार्डन छोड़ा था, गार्डन के बीच में दो बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए थे, एक 32 मंजिला और एक 29 मंजिला। लेकिन ये जो साइड में रहने वाले लोग थे, इनको ये पसंद नहीं आया, और जो कि डिज़ाइन से भी अलग था, तो इन्होंने अपोज किया, कोर्ट केस किया और अल्टीमेटली इनको जीत हासिल हुई, वो टावर गिराए गए। तो ये आइडिया मुझे आया कि अगर मैं भी ये टावर बनाऊं तो आगे याद के लिए रहेगा, क्योंकि ये टावर तो गिर चुके होंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और आज वही हालत है कि ये टावर अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन मेरे यादों में और मेरे मॉडल में ये संजोए गए हैं। ये इसका जो क्रेन बनाया गया है, ये झाड़ू की जो तीली होती है जिसको खराटा बोलते हैं, उसकी तीलियों को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। और लाइट व्यवस्था भी की गई है, जिसके अंदर की स्ट्रीट्स के ऊपर लाइट लगाई गई है, सड़कें बनाई गई हैं। और अगर ये देखें कि ये कबाड़ से जुगाड़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें जो सामने फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारे RO फिल्टर के कार्ट्रिज होती है, वो है उसका। जब डोरा अपन निकाल देते हैं तो इस तरह का दिखता है। जैसे ही मैंने उसको निकाला तो मैंने कहा, अरे ये तो ट्विन टावर जैसा दिख रहा है। वो ट्विन टावर भी एक ऊंचा एक नीचा था,
बिल्कुल सेम चीज मिल गई मुझे, उसको मैंने और कागज वगैरह लगा के मॉडिफाई करके इसको बना दिया है। एक जियो टॉवर है जो कि हमारे 5G या 4G इक्विपमेंट के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए उपयोग होता है। इसमें चारों तरफ एंटीना लगे होते हैं और ये माइक्रोवेव एंटीना है, ये RF एंटीना है। इस टाइप के चारों तरफ एंटीनाज लगे हैं। एक एविएशन लैंप भी होता है ताकि ऊपर से अगर कोई प्लेन वगैरह गुजरता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई टॉवर है। इसमें ये टॉवर कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। बहुत सी कॉलोनीज के बीच में या सड़क के किनारे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सिंपली एक जो अपने पेपर में ऐड निकलते हैं चिकने कागज के ऊपर, तो उसको मोड़ के बनाया गया है टॉवर। और ये जो सीढ़ी बनाई गई है वो भी सीखों से बनाई गई है, जो कि झाड़ू की सीख होती है, उसको फेविकोल से चिपका चिपका के बनाया गया है। और बाकी सब ये कागज का ही बना हुआ है। ये पेपर है, सारे पेपर से बनाया हुआ है। नीचे वुडन बेस दिया है थोड़ा भार बनाने के लिए। ये काफ़ी ऊंचाई पे बनते हैं, लगभग ये 30 मीटर के ऊपर इसकी ऊंचाई होती है, इसलिए कभी नॉर्मल कॉमन मैन की इसकी ओर निगाह नहीं जाती है कि ये ऊपर क्या लगा हुआ है। लेकिन मैं टेलीकॉम कंपनी में था इसलिए मुझे मालूम है कि ऊपर कौन कौन से एंटीना लगते हैं और एविएशन लैंप किस काम के लिए लगता है या ऊपर तक कैसे पहुंचा जाता है। तो उस कारण से मुझे ये सब मालूम है कि ये इस टाइप का जियो टावर होता है। ये एक पानी की टंकी मैंने बनाई है। ये बहुत अट्रैक्ट करती थी, हर मोहल्ले में आपको ये देखने को मिल जाएगी, सभी जगह दिख जाएगी। तो पता नहीं क्यों, मैं जब भी इसके आसपास से गुजरता था तो लगता था कि यार पानी की टंकी बनाऊंगा मैं। तो बाई चांस एक दिन दिवाली के बाद, वो बाहर बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता है, तो उसमें वो 12 शॉट वाला एक बॉम्ब पड़ा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे पाइप लगे हुए थे। तो वो पाइप निकाले मैंने, उनको जोड़ा, एक के ऊपर एक जोड़ा, और तो उसके ऊपर ऐसा लगा कि ये अब इसके ऊपर एक टंकी बनाई जाए। फिर वो धीरे धीरे करते हुए मैंने वो टंकी का फॉर्मेशन किया, फिर उसके ऊपर रखा और उन सबको जोड़ दिया। फिर एक समस्या आई कि ये सीढ़ियाँ कैसी बनाई जाएँ। तो सीढ़ियाँ मैं कागज़ को मोड़ते 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 बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत का काम वो सीढ़ियाँ ही था। उसकी फेंसिंग बनी है, वो काले डोरे से बनाई गई है ताकि फोटो में भी साफ दिखाई दे जाए। इसी तरह से ऊपर एक टंकी में जो होल होता है जिसके अंदर से मैन, कोई भी सफाई करने वाला अंदर जा सकता है या दवाई डालनी हो, कुछ डालना हो तो जा सकता है। वो अरेंजमेंट पूरा मैंने इसमें बनाने की कोशिश की है। सीढ़ियों से सीधा ऊपर तक चढ़ा जा सकता है और उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर जाने के लिए भी एक सीढ़ी बनाई है और सबसे ऊपर पानी की टंकी के पहुँच सकता है। ये एक चिमनी है जो 1890 में स्थापित हुआ था, भोपाल रियासत का पहला उद्योग, लेकिन अब इसकी देखरेख तक नहीं होती। ये एक न्यूज़ छपी थी पेपर में, तो उसमें ये फोटो छपा था। ये फोटो मुझे ऐसा लगा कि ये बनाने लायक है, कुछ इसमें कला है और ये अपने भोपाल की एक याद भी है। तो पहले इसके आसपास कहीं कोई रुई का उद्योग रहा था जिसके लिए ये चिमनी बनाई गई थी धुआं उठने के लिए, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है, केवल ये चिमनी बची है। आज भी ये भोपाल में मौजूद है। तो इसमें कोई खास सामान तो लगा नहीं है, सब ये कार्डबोर्ड है और सीढ़ियाँ ही खास कलात्मक हैं कि जिसको ऊपर तक पहुँचाना था। जैसा फोटो में दिया हुआ है कि शुरू का स्टेप बहुत बड़ा है, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, छोटा, वैसे ही मैंने भी कोशिश की है। ये राजा भोज सेतु बनाने की मैंने कोशिश की है। ये भोपाल में स्थित है अपने बड़े तालाब पर, और वहाँ पे क्या था, पहले रोड्स एक ही साइड से चलती थी, उसमें उस समय जब सेतु नहीं था तो उस समय एक साइड से चलती थी। इतना ज़्यादा कंजेशन होता था वहाँ पे, सामने से भी कारें आ रही, इधर से भी कारें जा रही, तो सरकार ने बहुत अच्छी कोशिश की और ये उन्होंने एक ब्रिज बना दिया। और वो ब्रिज मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, जब भी मैं उसके ऊपर से जाता था तो सोचता था यार ये मैं बनाऊँगा, ये मैं बनाऊँगा। तो ये कोशिश कामयाब रही और मैंने वैसा वैसा सब कुछ बनाने की कोशिश कर डाली है। और इसके जो जिसमें ऊपर से सपोर्ट दिया गया है, और ये ब्रिज पूरा ना लटक रहा है, ये पिलर्स के ऊपर इनके जो टाई रॉड्स हैं उससे ये सपोर्टेड हैं और ये ब्रिज पूरा हिलता है। मतलब जब आप इसके ऊपर मूवमेंट करोगे तो फील कर सकते हो कि यहाँ पे ये मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये केवल टाई रॉड से लटका हुआ है। टाई रॉड्स को बांधने के लिए जो ये बनाया है, ये कुछ बड़े बड़े हैवी मेटल के बने हुए आइटम्स हैं जिसके अंदर ये टाई रॉड को टाइट करके और आप लंबाई चौड़ाई उसका डिसाइड कर सकते हो।
वो बनाने के लिए मुझे जाके वहाँ फोटोग्राफ्स लेके आना पड़ा कि ये कैसे पुल के साथ इसको कैसे लगाया है। वैसे धीरे धीरे करते करते सब समझ में आया। इसी तरह से ये ऊपर भी इन्होंने कुछ बुशेस लगाए हैं, बुश हैं और ये रॉड है। तो जब ये इधर से टाइट करते हैं स्क्रू, ये टाई रॉड एकदम से टाइट हो जाता है और पुल को अपने ऊपर संभाले रहता है। ये मॉडल है बेंगलोर में बने हुए आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर का, विशालाक्षी टेम्पल है जो कि इस फोटो में दर्शाया गया है। इसी को मैंने बनाने की कोशिश की है। यूजुअली कई बार हम वहाँ जा चुके हैं क्योंकि हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि ये तो बहुत ही कलात्मक चीज़ है। नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक कैसे कैसे उठाया गया है इसको, फिर दरवाजे खिड़कियाँ कैसे बने हैं, फिर ऊपर का सबसे ऊपर का जो गुंबद है वो आप देखिए कितना बढ़िया, ऐसे ही वहाँ पर ट्रांसपेरेंट है जो कि उसके अंदर से लाइट निकलती है। तो ये बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है और जैसा फोटो में दिखाई दे रहा है वैसा काफ़ी कुछ बन गया है। ये आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर श्री श्री रविशंकर जी द्वारा बनाया गया है, जहाँ के जहाँ पे लाखों श्रद्धालु साल भर में इकट्ठे होते हैं और कई प्रोग्राम्स का वहाँ पे मजा लेते हैं। तो मोरबी ब्रिज था, उसके ऊपर 5,000 लोग एक साथ चढ़ गए और उसके जो केबल्स थे उसको हिलाना चालू कर दिया था, तो उस कारण से एक तरफ से वो टूट गया। तो वो केबल्स कौन से थे? ये हैं वो केबल्स जो ये ब्रिज को ऐसे ऐसे पूरा हिला देते हैं। ये पूरा सस्पेंशन टाइप का ब्रिज है जिसके ऊपर जब लोग चढ़ जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे हिलता है, हिलता है तो लोगों को और मज़ा आता है और वो चाहते हैं कि इसको हम इतना हिलाएं कि वो बर्बाद हो जाए। तो वही हुआ और उसमें कई हज़ार लोगों की जानें चली गई और नीचे पानी बह रहा था। जब ब्रिज एक तरफ से टूटा तो वो पूरा जाके नीचे गिर गए लोग। तो ये काफ़ी लंबा ब्रिज था, लेकिन मॉडल की जगह को देखते हुए कि ये बहुत ज़्यादा जगह लेगा, मैंने उसको छोटे में बनाने की कोशिश की है। और ये सारा कुछ कार्डबोर्ड का ही बना हुआ है। ये टॉवर्स भी कार्डबोर्ड के हैं जिनको एल्युमिनियम पेंट करके मैंने मेटल शेप मेटल आकार देने की कोशिश की है। और ये ब्रिज भी इसी टाइप का था क्योंकि बहुत इसके ऊपर लोग जाते हैं, तो कोरोगेटेड टाइप का बनाया हुआ था। वो मैंने भी कोरोगेटेड जो अपने डिब्बों के कागज आते हैं उससे बनाया है। ये इस टाइप का सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं इसको, जो कि इन रस्सियों से लटका रहता है। यहाँ से लोग चढ़ते हैं, उधर से उतरते हैं, उस दौरान वो हिलता है, तो हिलने से लोगों को और उत्साह आता है और वो इसको और हिलाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ बदमाश टाइप के लड़के थे, उन्होंने खूब ज़्यादा इसको हिला दिया था, तो यहाँ से ये कहीं से रस्सी टूट गई थी और वो पूरा का पूरा ब्रिज पानी में चला गया था। ये SLV-3 का मॉडल है। ये अभी आपने देखा होगा कि चंद्रयान गया तो इसी के सहारे गया। इसके सबसे टॉप पर विक्रम लैंडर रहता है और उसके अंदर रोवर रहता है। तो ये मैं बेंगलोर गया था तो वहाँ पे साइंस सेंटर है, साइंस सेंटर में गया तो वहाँ पे एक मॉडल रखा हुआ था, मैंने उसका फ़ोटो खींचा और घर आने के बाद उसको बनाने की कोशिश की। तो आप देखिए इसमें इसका एम्ब्लेम, इसरो का एम्ब्लेम, भारत सरकार का एम्ब्लेम, वो सब बनाने की कोशिश की मैंने। और उसके बाद यहाँ आने के बाद अभी हमको जो मोदी जी ने मौका दिया कि ये सफलता के चांद पर हम भारत पहुंच गए हैं, तो इसमें भी वही SLV-3 दिखाया गया है और उसके साथ ये एक विक्रम लैंडर और उसके आगे रोवर दिखाया गया है। ये जितने भी SLV-3s होते हैं इसमें क्या होता है कि ये तीन तरफ उनके रॉकेट लगे रहते हैं, ये रॉकेट उसको ऊपर तक ले जाते हैं और 100 किलोमीटर के बाद जहां हमारा ग्रेविटेशनल पुल ख़त्म हो जाता है वहां ले जाके छोड़ देते हैं। जैसे ही वो छोड़ते हैं वैसे ही हमारे जो बेसिक सेंट्रल रॉकेट है उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है और वो जहाँ पे हमको पहुँचाना है, मंगल पे, चांद पे या किसी भी जगह पे या केवल धरती की परिक्रमा करनी है, तो उस समय ये रॉकेट उसको वहाँ तक पहुँचाता है। फिर धीरे 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 वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर बचता है ऊपर का ये वाला सेक्शन, इतना सेक्शन बचता है जिसके अंदर हमारा ऑर्बिटर होता है। नीचे ऑर्बिटर होता है, ऊपर लैंडर होता है, तो ऑर्बिटर उसको ले जाके चांद की परिक्रमा कराने लगता है और धीरे धीरे परिक्रमा करते 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 फिर वो जो चांद की तरफ उतरने से पहले ऑर्बिटर अलग हो जाता है और ये जो ऊपर का लैंडर है वो लैंडर फिर उसकी परिक्रमा करता है। जब लैंडर परिक्रमा करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो नीचे उतरने के लिए स्पीड कम करने लगता है और लास्ट में इसके अंदर से लैंडर बाहर निकल आता है। लैंडर उतरने के बाद फिर उसका दरवाज़ा खुलता है और उसमें से रोवर बाहर निकलता है। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है।
और ये पूरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से इसका फ्यूल तैयार होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें होती नहीं है हमारे स्पेस में, लेकिन ऑक्सीजन इसके साथ हम लिक्विड ऑक्सीजन लेके जाते हैं, जिस कारण से ये फ्यूल बर्निंग होती रहती है और चांद तक हम पहुंच जाते हैं। ये आपके सामने पेश है विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान रोवर, जो कि हमने अभी बहुत कुछ पेपर में और टीवी में देखा कि हमारा चंद्रयान गया था और वहाँ पे चांद पे है हमारा ये लैंडर उतरा। उतरने के बाद इसने इसका दरवाज़ा खुलता है और खुलने के बाद उसमें से रोवर बाहर निकलता है। रोवर निकलने के बाद ऐसा प्लान किया गया था कि उसके व्हील्स में एम्बलेम बना हुआ था अपना भारत सरकार का, और उसके पहिए के निशान उसके ऊपर आएंगे चांद की धरती पे। लेकिन ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना कि वो आ नहीं पाया, क्योंकि कुछ प्रेशर का प्रॉब्लम था, उतना प्रेशर पहिए का पड़ नहीं पाया। अब ये मैंने थोड़ा रोटेशन करके इसलिए बनाया है ताकि आपको चारों फेज दिखाई दे जाए, क्योंकि कुछ कैमरे लगे हुए हैं, कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, कुछ फोटो सेल्स लगे हुए हैं, तो वो मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। तो इसके चारों फेजेस में क्या क्या लगे हुए हैं, देखिए काले वाले जो दिख रहे हैं वो फोटो सेल्स हैं, चारों तरफ से मतलब जहाँ भी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो उसकी बैटरी को चार्ज करेगा। कुछ एंटीनाज लगे हुए हैं, कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं। नीचे आप देखो जहाँ पे ये उतरा था तो वहाँ बहुत बड़े बड़े से ऐसे पैड लगे हुए थे, वो पैड केवल पैड नहीं थे, वो जमीन वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी और उसका नमूना लेने के लिए भी थे, जमीन में पानी है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, जिंक है कि नहीं, वो सब जानने के लिए भी वो पैड्स लगाए गए थे। रोवर है जो हमारे विक्रम लैंडर के अंदर था, और ऐसा प्लान किया गया था कि ये जब चलेगा तो इसके निशान चांद पे आएंगे और वो लाखों साल तक रहेंगे, जब तक मनुष्य वहाँ पे ढंग से नहीं पहुँच जाता है तब तक वो रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वातावरण नहीं है, वातावरण न होने के कारण कुछ भी कण इधर से उधर जाता ही नहीं है। ये एक छः पहिए की गाड़ी है जो कि रिमोट से चलती है, इसमें एक एंटीना है और सामने सोलर सेल लगी हुई है, तो ये सूरज से रोशनी लेके और बैटरी चार्ज करता है और हमारे विक्रम लैंडर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये विक्रम लैंडर से रोवर के उतरने का दृश्य है। ये ट्रैफिक लाइट है जो कि रेड ग्रीन एंड येलो सिग्नल देती है, कुछ देर तक ग्रीन रहता है, फिर रेड होता है, फिर येलो हो जाता है। ये एक छोटा सा सर्किट इसमें लगा हुआ है जो ट्रांजिस्टर से चलता है, और 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, वो कुछ देर तक रेड होने के बाद फिर येलो होगा, येलो थोड़ा कम टाइम तक रहता है, फिर ग्रीन होता है। ये एक टेबल टॉप फाउंटेन है जो कि मैंने कई इंटरनेट के वीडियोस में देखा था, फिर वैसा ही बनाने की मैंने कोशिश की। ये एक बहुत ही शांति प्रदाय करने वाला एक बहुत अच्छा डिवाइस है, जिसकी पानी की कलकल की ध्वनि हमको बहुत शांति प्रदान करती है। ये नारियल के खोल का उपयोग किया गया है, जिसके अंदर गणेश जी बिठाए गए हैं और एक LED लगा के उसको प्रकाशित किया गया है। नीचे एक छोटा सा तुलसी वृंदावन है जिसके ऊपर पूरा नारियल का खोल फिट किया गया है। ये एक गांव का कुआं है जो आजकल शहरों में देखने को नहीं मिलता है, आजकल सब बोरवेल का जमाना आ गया है, ये सब हमको देखने को नहीं मिलता है। इसमें एक छोटा सा रहट भी लगाया हुआ है जो कि बाल्टी को ऊपर नीचे करता है। ये बहुत पहले कभी हम लोगों ने बचपन में देखा था, तो एक ये टेप रोल खाली हुआ था, तो मैंने कहा कि इसका कुछ उपयोग किया जाए, तो मुझे लगा कि ये कुआं बन सकता है। उसी समय पेपर में एक कोई एड छपा था जिसके ऊपर वो ईंटों का डिज़ाइन भी था, तो वो ईंटों का डिज़ाइन उस पर चिपका दिया, कलर करने की झंझट ख़त्म। इसकी डेप्थ दिखाने के लिए मैंने एक शीशे का उपयोग किया है जो कि इसके ऊपर से देखने पर इसकी गहराई को बताता है, और उसमें कुछ प्राकृतिक वातावरण लाने के लिए मैंने एक छोटा सा पेड़ भी लगा दिया है, कि जहाँ सभी कुओं के पास में कोई ना कोई पीपल अथवा नीम इस टाइप के कोई ना कोई पेड़ हुआ करते थे। ये एक छोटी सी मिक्सी बनाने की कोशिश की है मैंने, जो कि चलती भी है। इसके अंदर मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी मोटर लगाई है, और सब सामान ऐसा है जो घर में ही अवेलेबल रहता है, जैसे मैं आपको ये दिखाऊँ, ये
कॉफ़ी की बॉटल है, कॉफ़ी का ढक्कन ही नीचे लगा दिया है, एक इम्पेलर बना के उसके बीच में लगाया है जो कि मिक्सी में दलने का काम करेगा। नीचे एक प्लास्टिक का कप है, ग्लास होता है जो पिकनिक सेट में निकलता है, वो लगाया है। एक 12 वोल्ट की मोटर लगाई है उसके अंदर और एक रेगुलेटर लगाया है जो इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करेगा। अब मैं आपको ऐसे संग्रह की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसमें मैं अपने पुराने घरों की याद ताज़ा कर रहा हूँ। मैं जब बिल्कुल 5 साल का था तब मैं किस घर में रहता था, फिर बड़ा हुआ तो किस घर में हुआ, और लास्ट में कौन सा घर हमने इलाहाबाद में छोड़ा, फिर बेच के भी आए और आज हम भोपाल में सेटल्ड हैं। तो ये घर है सबसे पहला, जब मैं 5 साल का था तब नीचे पान की दुकान थी और ऊपर हमारा घर था, मकान था, मतलब ये किराए पर रहते थे हम लोग। पीछे मकान मालिक का घर था, ये पीछे मकान मालिक का घर था, और मकान मालिक को गाय पालने का बहुत शौक था, जो कि उन दिनों में हर एक घर छोड़ के सभी घरों में गाय हुआ करती थी, तो वो बीच के आंगन में गाय पालता था। तो इसलिए मैंने उसको ट्रांसपेरेंट रखा है ताकि सब लोग देख सकें कि कैसे उसने गाय कहाँ रखी हुई थी। ये अंदर से, यहाँ से हम लोग अंदर घुसते थे और ये फर्स्ट फ्लोर पर आते थे। फर्स्ट फ्लोर के लिए ये छत हम लोग को दी गई थी, और ये पीछे यहाँ से हमारा किचन था और पीछे मकान मालिक का किचन था, तो दोनों जुड़े हुए थे, अंदर से पार्टीशन था दोनों के बीच में, और फिर ये मकान मालिक का घर। तो ये है 1969 के करीब की बात जब हम लोग इस घर में रहा करते थे। मेरे पिताजी रेलवे में थे, जो अब रिटायर होके भोपाल में ही हमारे साथ हैं, तो वो रेलवे में थे, तो हमको बाद में रेलवे क्वार्टर मिल गया था। तो वहाँ पे एक इलाहाबाद में जगह है सुबेदारगंज, तो वहाँ पे हम लोग इलाहाबाद में गए। तो इस टाइप के मकान थे, ये हमारे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था क्योंकि हम पहले मोहल्लों में रहते थे, कॉलोनीज में रहने की हमको आदत नहीं थी। लेकिन वहाँ केवल 24 मकान थे, इस तरह के चार चार के 6 सेट बने हुए थे, जहाँ सभी के सभी यंग जनरेशन वाले थे, तो उनके भी बच्चे भी सब छोटे छोटे थे, ऐसे ही 5-5, 6-6 साल, 10 साल वाले थे। तो हम लोग सामने फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। इन घरों की, इस घर की याद हमें काफ़ी दिनों तक रही क्योंकि इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। इसके पीछे से भी आप देखिए, पूरा उसी टाइप का बनाया है जैसा था ये बाथरूम। नीचे वालों को आंगन मिला था, ऊपर वाले को छत मिली थी। और सबसे अच्छा सुखद अनुभव जो हम इसके लिए शेयर कर सकते हैं वो ये था कि ऊपर इस टाइप की फिसलन पट्टी बनी थी जो कि सीढ़ी के कारण बाई डिफ़ॉल्ट बन गई थी, लेकिन हम बच्चों के लिए वो एक बहुत ही मज़े वाली चीज़ थी, सब इसके ऊपर चढ़ के फिसला करते थे। इन घरों की यादें हमें अभी तक है और ये सब मैंने मेमोरी बेस पे बनाया। सुबेदारगंज के घर को छोड़ने के बाद हम इस वाले घर में आए थे और ये सिविल लाइन्स एरिया था इलाहाबाद का, उसमें था। ये सारे घर इसी टाइप के सिंगल स्टोरी टाइप के थे और इसकी यूनिक चीज़ थी इसकी छत, आप देख रहे होंगे कैसे राउंड राउंड शेप की बनाई गई है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए घर थे और ये इस टाइप की छत बनाते थे कि इसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती थी, ये कभी गिर नहीं सकती। और आगे बहुत बड़ा लॉन था जिसको मैं मॉडल में नहीं बना पाया हूँ क्योंकि वो मॉडल का साइज़ बहुत लंबा हो जाता, तो इस टाइप का था। आगे छोटा सा बरामदा होता था, अंदर केवल 2 ही कमरे थे। और आप ये देख सकते हैं कि जितना बड़े, जितनी जगह में कमरे बने हैं उससे उतनी जगह में तो आंगन भी था, जो कि आंगन की फैशन आजकल ख़त्म हो चुकी है और हमको बिना आंगन के घरों में रहने की आदत हो गई है। अब आप देखिए, इसमें पीछे की तरफ 2 लेटरिन बाथरूम बने हुए थे, एक किचन बीच में ही बना हुआ है, फिर एक पीछे बरामदा है। इस बरामदे में सबसे ज़्यादा हमारा समय बीतता था, यहीं से मैंने हाई स्कूल इंटर किया इसी घर से, और इसके साथ भी मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई है। अब ये एक वो घर है जो कि हमने परचेज किया था हाउसिंग बोर्ड से और काफ़ी साल इसमें रहे, लगभग 30 साल रहे, जिसमें मैंने वहाँ पे 9-10 साल नौकरी भी की इलाहाबाद में, और बाद में इन्हीं घरों में मेरे फादर मदर काफ़ी साल तक रहे। बाद में कोरोना वगैरह पीरियड में हम उनको भोपाल ले आए थे क्योंकि वहाँ उतना सेफ नहीं था। तो ये इस टाइप का घर था जो कि मिनी MIG था, लेकिन हमने उसमें ऊपर एक कमरा बना लिया था, पीछे एक बना लिया था, तो ये ले दे के एक बहुत अच्छा सा घर बन गया था। ये इसमें भी हमारी बहुत यादें हैं क्योंकि मेरी बच्ची यहीं पैदा हुई थी और फिर धीरे धीरे उसको बड़ा होते हुए भी हमने यहीं से देखा। मैंने इतने सारे मॉडल बनाए और फिर कुछ मेरी सिस्टर को दिखाए, अपने रिलेटिव्स को दिखाए, तो उसमें से एक डिमांड आई मेरी सिस्टर की तरफ से, यार तुमने इतने सारे बनाए, मेरे घर का मॉडल नहीं बनाया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम फोटो भेजो, मैं बनाता हूँ। तो लखनऊ में रहती है वो, और उसने मुझे फ़ोटो भेजा, मैंने इसको पूरा बनाने की कोशिश की। बाद में वो यहाँ भोपाल आई थी मिलने के लिए, तो बोली अरे अभी हमने तो सोलर पैनल लगवा लिया है, टंकी में भी बहुत फेंसिंग बनवा ली है, तो वो सब तुम बनाओ इसके ऊपर, वो भी मैंने बनाया। तो फाइनली ये अब फाइनल शेप आ गया है घर का,
और अभी मैंने फिर उसका फाइनल फोटो भेजा था उसको, तो उसने वहाँ अपने मोहल्ले में लोगों को दिखाया, वो सब आश्चर्य कर रहे थे कि अरे वाह हूबहू वैसा का वैसा, सारे वही कलर्स और सब कुछ वैसा ही बना दिया आपने, सोलर पैनल भी लगा दिया, टंकी के चारों तरफ फेंसिंग भी लगा दी और एंटीना टीवी का भी लगा हुआ है। तो बहुत ही खुश हुए वो लोग ये देखकर। ये एक लाइट सेंसिंग डिवाइस का मॉडल बनाया है मैंने, कि जब अंधेरा है यानी कम रोशनी है तो हमारे घर की लाइट जलती रहेगी, और जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो लाइट बुझ जाएगी। ये जैसे अब सूरज आया तो अंदर की लाइट बंद हो जाती है, फिर सूरज जब अस्त हो जाएगा तो फिर लाइट जल जाएगी। इसी तरह से सुबह होगी तो फिर से लाइट अंदर की बंद हो जाती है। तो ये जैसे हमारे बाहर के बरांडे वगैरह में ये डिवाइस बहुत काम की है, कि अगर हम कहीं बाहर घूमने भी गए हुए हैं तो जैसे ही सूरज अस्त होगा तो ये लाइट जल जाएगी। बीजेपी कार्यालय का मॉडल है जो यहाँ पे मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास बना हुआ था भोपाल में, लेकिन बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके बारे में डिसीजन लिया कि ये बहुत छोटा पड़ रहा है तो इसको अब तोड़ के इसकी जगह मल्टी स्टोरेज बनाया जाएगा। तो ये बिल्डिंग मुझे बहुत दिनों से आकर्षित करती थी, तब मैं इतना बीजेपी और कांग्रेस समझता भी नहीं था, लेकिन अभी जब इसे तोड़ने की न्यूज़ आई तो हम जाके वहाँ पे देख के आए और जल्दी से इसको कॉपी करके बनाने की कोशिश की। इसमें नीचे कोई बड़ा हॉल है जो लोग इसके अंदर गए हैं, यहाँ साइड में एक गेस्ट हाउस है और सामने बहुत बड़ी पार्किंग के लिए जगह भी है, जिसको मॉडल की साइज को देखते हुए मैंने नहीं बनाया। ये मेन जो बीजेपी कार्यालय है वो इस शेप का था, राउंड शेप का बनाया हुआ था। ये बनाने के लिए एक कोई टेप का रोल ही मेरे पास पड़ा हुआ था राउंड शेप का, तो फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर कुछ बनाया जाए, बीजेपी कार्यालय बनाने की कोशिश की इसके अंदर। तो उसका काटना पीटना बहुत कठिन था क्योंकि उसमें मोटा होता है, वो रोल काफ़ी मोटा रोल था, तो उसके अंदर खिड़कियाँ वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल था। इसमें मैंने थर्मोकोल का उपयोग किया है, कार्डबोर्ड का एक रोल है और कुछ कार्डबोर्ड की शीट्स हैं, जिससे मैंने साइड के इसको गेस्ट हाउस को बनाने की कोशिश की है। बाकी अंदर लाइट लगा के मैंने उसको थोड़ा इल्यूमिनेटेड कर दिया है, ताकि बाहर खिड़की से बाहर लाइट आएगी तो अच्छा दिख रहा है फोटोग्राफ में। ये इलेक्ट्रिक गिटार मैंने बनाई है, और मुझे इलेक्ट्रिक गिटार बजाने का शौक था, लेकिन धीरे धीरे उत्सुकता ये जागी कि आखिर ये बजती कैसे। एक टाइम था जब ये बहुत महंगी आया करती थी, 10-12 हज़ार की, और उतना मेरे पास पैसा नहीं रहता था, तो मैंने सोचा इसको बनाया जाए। एक दो लोगों का सुना था कि उसने खुद गिटार बनाई है, तो मैंने भी कोशिश की। इसका सबसे कठिन पार्ट होता है इसका फ्रेडबोर्ड। फ्रेडबोर्ड में जो सारे गामा 12 स्वर बने होते हैं, उनको बनाना ही सबसे कठिन काम है। अदरवाइज लकड़ी काटना कारपेंटर कर सकता है, ये जो पिकअप होता है वो बाजार से मिल जाता है, स्ट्रिंग्स बाजार से मिल जाती हैं, लेकिन जो ये ब्रिज टू ब्रिज डिस्टेंस और उसके बीच का जो फ्रेडबोर्ड है वो बनाना सबसे कठिन काम होता है। तो आया, और इस तरह की मैं 5-6 गिटारें बना चुका हूँ, जो कुछ फ्रेंड्स को भी मैंने दी है। वीडियो में दिखाई गई सामग्री और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा, कौन सा मिनिएचर अच्छा लगा, और हमारे नए नए अतिथि से मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हो तो, और पास में ना बेल आइकॉन घंटी उसको दबाना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।